by Dr. Kaushal Kant Mishra, Director, Bone and Joint Institute, Fortis Escorts, Okhla. ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं. ऑस्टियोपोरोसिस उम्र की वजह से जब हड्डियां कमजोर होती हैं, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन कम होने लगता है बढ़ती हुई उम्र की वजह से, तो उसमें फ्रैक्चर्स होते हैं. जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, लाइफ थ्रेटनिंग फ्रैक्चर हैं, वो मेनली देखे जाते हैं कि हम हिप में फ्रैक्चर हो जाता है, रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है, या सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है. ऐसे लोगों का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बेड रिडन हो जाते हैं और उनकी डेथ हो सकती है. तो स्पाइन फ्रैक्चर जो सबसे सीरियस है, उसके लिए हम बहुत छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बलून काइफोप्लास्टी कहते हैं, और उसके बाद मरीज अगले दिन से खड़ा होकर चलता है. और हिप फ्रैक्चर के बाद हम सर्जरी करते हैं और मरीज उसमें भी चलता है. मेन चीज ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस को बचाने के लिए करें क्या. आज जिस तरीके से भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, 70 से 80 साल हो गई, तो बुढ़ापे का एज ग्रुप ज्यादा बढ़ गया है उस तरह के लोग, और उनके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, डेली कैल्शियम, वीकली विटामिन डी मैंडेटरी है, पूरी लाइफ के लिए मैंडेटरी है. और मैं बताना चाहूंगा कि महिलाएं हैं जो मीनोपॉज के बाद आती हैं, उनमें विटामिन डी कैल्शियम मीनोपॉज के बाद चालू कर देना चाहिए. जो पुरुष हैं उनमें 65 एज के बाद आप कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लें, और जो महिलाएं 70 साल के क्रॉस हो गई हैं उनमें 2 कैल्शियम और वीकली विटामिन डी बहुत जरूरी है. एक मिथ है कि कैल्शियम खाने से स्टोन बनता है, ऐसा नहीं है. अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैल्शियम खाने से आपको स्टोन नहीं बनेगा. और एक आखिरी बात कहूंगा कि अगर आप लोग रेगुलर वॉक करते हैं, फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी. इसमें नॉर्मली मरीज प्रेजेंट करता है बिफोर फ्रैक्चर शरीर में बॉडी पेन, वीकनेस, फटीग, ये सारे सिम्टम होते हैं. जॉइंट में पेन होता है, बोन्स में पेन होता है. ऐसे मरीजों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होना होता है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए. थैंक यू.